नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति 21 तारीख 21 सितंबर का जान लेते हैं। उच्च का चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर में है, मिथुन राशि में राहु है, सिंह राशि में मंगल चल रहे हैं, कन्या राशि में सूर्य बुध और शुक्र विराजमान है, वृश्चिक राशि में बृहस्पत है, धनु राशि में शनि और केतु है। राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि का पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति, लिक्विड फंड की अच्छी स्थिति दिख रही है और कुटुंबों में वृद्धि संभव है। नेगेटिव पॉइंट यह है कि आप कुछ ज्यादा बोल सकते हैं, वाणी पे नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, इमोशनल होकर के, भावुक होकर के, जज्बाती होकर के कुछ बोल डालेंगे, तो इस पे आपको काबू रखने की आवश्यकता है। लव अफेयर की जहां तक बात करेंगे, लव अफेयर के मामले में आपका जो पंचमेश पंचम भाव और दूसरा शुक्र की स्थिति, जो जीवन साथी का शादी ब्याह का जो मालिक होता है, तो सूर्य की स्थिति खष्ट भाव में है और शुक्र की स्थिति नीच की है, तो आपकी जो प्रेम का भाव है, जीवन में जो आनंद का भाव है, उसमें थोड़ी कमी दिखाई पड़ती है। व्यवसायिक स्थिति को देखें तो व्यवसायिक स्थिति का जो मालिक है वो थोड़ा सा वीक स्थिति में, कमजोर स्थिति में केतु के साथ बैठा है, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मध्यम स्थिति है। हेल्थ की जहां तक बात करें तो हेल्थ की स्थिति आपकी अच्छी कही जाएगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो लग्नेश मंगल है वो पंचम भाव में बैठ करके एक आपके ब्रेन को पावर दे रहा है, अच्छी स्थिति कही जाएगी। वृषभ राशि, पॉजिटिव पॉइंट, एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है और वो एनर्जी लेवल सॉफ्ट है, बहुत आपका कद बढ़ा रहा है, आप नायक नायिका की भांति चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है, चंचलता में वृद्धि हो जाएगी, भावुकता में वृद्धि हो जाएगी, तो भावनाओं में आकर के कोई काम ना करे, कोई बात ना करे, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। प्रेम की बात है तो जो पंचम भाव के मालिक है, स्वगृह ही बैठे हुए, ये बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी, और उधर जीवन साथी के घर का जो मालिक है मंगल, वो भी अपने मित्र क्षेत्री हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी स्थिति है। आपके प्रेम की स्थिति अच्छी है, चाहे वो जीवन साथी चाहे प्रेमी प्रेमिका, सही चल रहे हैं आप। व्यवसाय की स्थिति को अगर हम ध्यान में रखें तो व्यवसाय की स्थिति भी आपकी एक तरीके से सही कही जाएगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हेल्थ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो नेचुरल आपको एनर्जी चाहिए उसमें थोड़ा, चंद्रमा एनर्जी तो दे रहा है जो मैं आपके पॉजिटिव पॉइंट में बोला हूं, फिर भी जो शुक्र लग्नेश है वो नीच का है, जिसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके जो फोर्थ हाउस में बड़ी अच्छी स्थिति है, भूम भवन वाहन की खरीदारी चल रही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, घर में उत्साह बना हुआ है। नेगेटिव पॉइंट ये है, अकारण चिंतित रहेंगे, खर्च की अधिकता रहेगी, कर्ज की स्थिति आ सकती है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और प्रेम का भाव क्या होगा, प्रेम का भाव, जो प्रेम का मालिक है उसकी स्थिति नीच की है, तो उसमें थोड़ी कमी आएगी। नीच का मतलब आप नीच शब्द को थोड़ा कमजोर की स्थिति समझिएगा, बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। नीच का जो अर्थ है ना, वो नीचे से लिया गया है, जब ऊपर होता है ग्रह तो उच्च का होता है और नीचे उसी के जस्ट नीचे आता है तो नीच का कहा जाता है, तो कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, थोड़ी कमजोर स्थिति जरूर है आपके। जीवन साथी की बात करें वो भी कमजोर स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति भी अपने से द्वादश भाव में बैठे हैं, हालांकि मित्र क्षेत्री है, इसलिए जीवन साथी का भाव करीब करीब ठीक है। व्यवसायिक स्थिति की बात करें तो व्यवसायिक स्थिति में भी, चूंकि मिथुन लग्न में सप्तमेश और दशमेश दोनों बृहस्पति हैं, इसलिए व्यवसायिक भी आपके नॉर्मल से बेटर है बट बहुत अच्छा नहीं है। हेल्थ की बात करें, बड़ी अच्छी स्थिति है, आपका लग्नेश मित्र क्षेत्री है और अच्छे संयोग से आगे चल रहा है, तो हेल्थ वाइज आप ठीक है। कर्क राशि, कर्क राशि का पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आर्थिक मामले आपके बड़े अच्छे चल रहे हैं और आप बड़े पराक्रमी बने हुए हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल अच्छा चल रहा है। नेगेटिव पॉइंट यह है कि आपका जो जुबान है वो हार्ड वर्ड यूज करेगा और कठोर भाषा के प्रयोग करने की वजह से कुटुंबों में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी और लिक्विड फंड की थोड़ी
कमी होगी। तो इस बात का थोड़ा सा निगेटिविटी है, इसको आप जरूर ध्यान दें। लव अफेयर की जहां तक बात करें, लव अफेयर की बात आपके जीवन में सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात, बड़ी समीपता है, बड़ी बिल्कुल एक सा होकर के चल रहे हैं, अच्छी स्थिति है। व्यवसायिक स्थिति की जहां तक बात करें, व्यवसायिक स्थिति भी आपके जीवन में अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हेल्थ के मामले में भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि लग्नेश उच्च का चल रहा है, तो बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी। सिंह राशि, पॉजिटिव पॉइंट यह है, भाग्य बस आपका काम बन रहा है, आपके भाग्येश लग्न में बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी। यह भी पॉजिटिव पॉइंट है कि कोर्ट कचहरी में आप विजय पा रहे हैं, क्योंकि दशमेश दशम भाव में उच्च का चंद्रमा चल रहा है। निगेटिव पॉइंट यह है कि आपके द्वितीय भाव में तीन ग्रह बैठे हुए हैं, जिसमें नीच का शुक्र भी है, तो थोड़ा सा आर्थिक मामले जो है ना, वो थोड़े ड्राई रहेंगे आपके, बाकी तो हर दृष्टिकोण से ठीक है। अब बात करते हैं प्रेम की। प्रेम भाव मध्यम कहा जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अपने से द्वादश भाव में बैठी हुई है, उधर शनि जो जीवन साथी का भाव है वो भी अपने से द्वादश भाव में, और केतु के साथ शनि है, तो आपका प्रेम भाव थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। और जो व्यवसायिक स्थिति है, नौकरी चाकरी की स्थिति है, उसको अच्छा कहा जाएगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान्य या सामान्य से बेहतर गति से आप आगे बढ़ रहे हैं। कन्या राशि, कन्या राशि का पॉजिटिव पॉइंट ये है, बुध लग्न में, सूर्य लग्न में और शुक्र लग्न में, तो आप हेल्दी भी हैं, भाग्यवान भी हैं और तरक्की भी कर रहे हैं, शुभ ग्रहों की स्थिति आपके लग्न में है इस वजह से। नेगेटिव पॉइंट ये है कि नीच का शुक्र आपके लग्न में बैठ करके थोड़ी सी चंचलता को, ये कहे बढ़ाने की बात ना कहे, लेकिन एक उथल पुथल रखा हुआ है आपके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव आप फील ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ अच्छी बातों को भी, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है आपका। लव अफेयर की बात करें तो शनि केतु के साथ बैठा हुआ है और अपने से द्वादश भाव में बैठा है, इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ स्थिति लव अफेयर की कही जाएगी। जीवन साथी के घर की बात करें, वो भी बृहस्पति है, उनकी भी इसी तरह की स्थिति है, तो थोड़ा सा कमजोर या कमजोर से थोड़ा बेटर की स्थिति, मध्यम स्थिति कह सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से सही है, नॉर्मल प्लस है। तुला राशि की स्थिति पॉजिटिव ये है कि आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपकी जो परेशानियां चल रही थी उससे बेटर हो गए हैं और अब भाग्यवश कुछ अच्छा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट यह है, लग्नेश आपके द्वादश भाव में, द्वादशेश आपके द्वादश भाव में और आयेश भी आपके द्वादश भाव में बैठ गए हैं, जिसके वजह से थोड़ी सी निगेटिविटी है। निगेटिविटी क्या है? एनर्जी की कमी, आय से अधिक खर्चा, ये सब निगेटिविटी है। प्रेम की बात अगर करेंगे तो आपके प्रेम का जो मालिक है, प्रेम भाव का जो मालिक है, वो कमजोर स्थिति में है, तो थोड़ी सी बहुत स्ट्रांग नहीं चल रहे हैं आप इस समय, बहुत भावुक चल रहे हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन साथी के घर की बात करें तो जीवन साथी के घर की बात थोड़ा नॉर्मल प्लस है, बहुत बेटर नहीं कहा जाएगा लेकिन सही चल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उनसे आपको लाभ मिलेगा, ये एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर है। व्यवसाय की स्थिति की बात करें तो व्यवसाय की स्थिति एक अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि आपका दशमेश उच्च का चल रहा है, तो ये एक अच्छी स्थिति कही जाएगी और लगातार आपके इजाफा चल रहा है आपके व्यवसायिक स्थिति में और नौकरी चाकरी की स्थिति में, सही चल रहा है। हेल्थ की बात मध्यम है, क्योंकि लग्नेश आपका नीच का चल रहा है। वृश्चिक राशि का पॉजिटिव पॉइंट यह है कि लग्न में बृहस्पति आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा रहा है, जीवन में शुभता को दे रहा है। नेगेटिव पॉइंट यह है कि चोट चपेट लग सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल कर देता है। लव अफेयर की बात बहुत अच्छी है, कुछ नया प्रेमालाप होगा, प्रेम की शुरुआत हो सकती है, उधर जो आपके चंद्रमा है वो भी उच्च के चल रहे हैं, जो जीवन साथी के घर का मालिक है, तो प्रेम की स्थिति आपके जीवन का अच्छा चल रहा है। व्यवसाय की स्थिति की बात करें, व्यवसाय की स्थिति में एक ये भी एक प्लस पॉइंट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ की बात करें वो भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि लग्नेश मित्र क्षेत्र है, तो वृश्चिक राशि ठीक चल रहा है। धनुराशि,
धनुराशि की जो पॉजिटिव पॉइंट कहेंगे, वो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको आपके जो शत्रु पक्ष थे ना, वो परास्त हो गए, किसी भी तरह की कोई वो कुछ कर नहीं पाएंगे और गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपके लग्न में शनि और केतु चल रहे हैं, जो एक नकारात्मक चीज जरूर एकदम अपने आप को आपसे जोड़ करके लेकर के चल रहे हैं, तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेम की बात करें तो प्रेम की बात अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि आपके प्रेम का मालिक भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो भाग्यवश आपके प्रेम में इजाफा हो रहा है और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। रोजी रोजगार की अगर बात करें तो वो भी एक अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि वहां पे कोई ग्रह ना होने के कारण भी, ना होने के बाद भी एक ग्रहों का पूरा पूरा आपको पावर मिल रहा है, तो व्यवसाय की स्थिति थोड़ा सा मध्यम से प्लस है, धीरे धीरे और अच्छे की तरफ आप चले जाएंगे, कोई निगेटिविटी नहीं व्यवसाय की स्थिति। मकर राशि, मकर राशि की स्थिति पॉजिटिव क्या है, लिखने पढ़ने के लिए अच्छा समय, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, किसी चीज की शुरुआत, कोई ट्रेनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो अच्छा समय। नेगेटिव पॉइंट क्या है, भावनाओं में आकर के कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और बच्चों के सेहत से संबंधित कोई थोड़ी सी मध्यम समाचार की प्राप्ति हो सकती है, मध्यम समय है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। प्रेम की बात करें, प्रेम में थोड़ी तूतू मैमे की स्थिति आ सकती है, इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और जीवन साथी की जो चीज़ें हैं ना, उसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि भावनाओं में बह सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही इतना प्यार ना कर बैठिए जो थोड़ा सा पचा ना पाए, तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है थोड़ा सा आपको। व्यवसाय की स्थिति की अगर बात करें तो व्यवसाय की स्थिति मध्यम से बेहतर है, किसी भी तरह की कोई खराब स्थिति नहीं है। शुक्र के नीच होने के नाते थोड़ा सा जरूर प्रॉब्लम कहा जाएगा, लेकिन वो मित्र क्षेत्र ही है, तो इस नीचता को, इस कमजोरी को बहुत मायने में नहीं देखा जाता, इसलिए मध्यम प्लस कहा जाएगा। और हेल्थ की स्थिति आपकी थोड़ी निर्जीवता है, क्योंकि लग्नेश द्वादश भाव में केतु के साथ बैठे। कुंभ राशि, कुंभ राशि की स्थिति ठीक कही जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको थोड़ा सा घरेलू सुख थोड़ा सा देखना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट अगर इसमें से हम निकालें तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो आप चाहते हैं, जिस तरीके से आप जीवन जीना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा, वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप गृह कलह के शिकार हो सकते हैं, गृह कलह पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता जरूरी है। और लव अफेयर की जहाँ तक बात है, आपका पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, स्वगृही है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फिर भी उसको ले करके कुछ परेशान रहेंगे आप, थोड़ा पॉजिटिवनेस आपकी बढ़ी रहेगी। हेल्थ की बात मध्यम से बेहतर है। मीन राशि, मीन राशि की स्थिति ठीक कही जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं दिखाई पड़ रही है। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि मास से बड़ी नज़दीकी आपको रहेगी। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप जो घर के किसी बात को लेकर के थोड़ा सा आप उलझ सकते हैं, इससे आपको बचने की आवश्यकता है। इसके बाद फिर जब हम प्रेम की तरफ जाएंगे तो प्रेम की तरफ बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जीवन साथी की बात करें तो आपके सप्तम भाव में ही स्वगृही बुध बैठा हुआ है, जो अविवाहितों के लिए शादी ब्याह का कारक बनेगा, और जो जीवन साथी के लिए है ना, वो बड़ी अच्छी स्थिति है, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी और बड़े प्रेम से आप लोग रहने लगेंगे। उधर जो प्रेमी प्रेमिका की बात है, वो भी एक अच्छी स्थिति है, बहुत नज़दीकियाँ बढ़ेगी, बहुत ऊर्जा के साथ आप एक दूसरे के करीब आएंगे। हेल्थ की जहाँ तक बात है वो थोड़ा मध्यम है, और जो व्यवसायिक स्थिति है वो उत्तम की तरफ जा रहा है। नमस्कार।